मार्केट साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। investing.com के ऊपर जो सीरीज चल रहा था आज उसका पार्ट नंबर 9 है। पहला 7 पार्ट में हम ये सब टॉपिक कवर कर चुके हैं। पार्ट नंबर 8 में हम 8 नंबर का टॉपिक हाउ टू यूज चार्ट इसको शुरू कर चुके हैं। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसका पार्ट नंबर 2 लाए है। इस चार्ट टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए और दो एक वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, तो इस दो नंबर का वीडियो को शुरू करने के लिए चलते investing.com का वेबसाइट पे। तो investing.com पे आने के बाद आप किसी भी चार्ट को ओपन करने के लिए उस स्टॉक या इंडेक्सेस के अंदर आप जाके उस चार्ट को ओपन कर सकते हो, या फिर आप पोर्टफोलियो के अंदर जाके आप अगर पोर्टफोलियो के अंदर सभी स्टॉक का चार्ट देखना चाहते हो तो उसमें जाके भी आप ओपन कर सकते हो। तो मैं फिलहाल कोई भी एक स्टॉक को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे टाटा मोटर्स को मैंने ओपन किया था तो ये रिसेंटली में दिखा रहा है, तो इसको इसी को ही मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर चार्ट को ओपन करने के लिए आप चार्ट पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके आप इस चार्ट को फुल स्क्रीन कर लोगे। फिर मैंने पार्ट नंबर 1 पे दो लेआउट बना के रखा था, तो उसी दो लेआउट में से मैं किसी एक लेआउट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट जो लेआउट बना हुआ रहता है investing.com की तरफ से, उस लेआउट पे आप पहली बार जब चार्ट को ओपन करोगे या फिर कोई भी इंडेक्स को ओपन करोगे उस लेआउट पे आप आ जाओगे इस तरह का लेआउट पे। फिर आप अगर कोई लेआउट बना के रखे हो तो उस लेआउट में जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। फिर मैं ये दो लेआउट बनाया था, माई न्यू लेआउट और मूविंग एवरेज लेआउट, तो मैं ये माई न्यू लेआउट इसको ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हो माई न्यू लेआउट में ये मैं बनाया था, इसका कैंडलस्टिक का कलर वगैरह चेंज किया था, बैकग्राउंड चेंज किया था, तो वो लेआउट में ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे मैं किस एक पार्टिकुलर स्टॉक को ओपन करके इस लेआउट को ओपन किया हूँ। तो यहाँ पे आपको अगर कोई और स्टॉक को यहाँ पे देखना है इस लेआउट के ऊपर, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस स्टॉक या इंडेक्सेस का नाम लिख के आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई भी पोर्टफोलियो के अंदर जाके सभी स्टॉक को देखना है तो इस साइड पे क्लिक करोगे तो उसको स्टॉक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी पोर्टफोलियो के अंदर जाके इस लेआउट को ओपन करना पड़ेगा। तो उस पोर्टफोलियो के अंदर जितना भी सिक्योरिटीज आप ऐड करके रखोगे वो सब सिक्योरिटीज आपको राइट साइड पे दिखाई देगा। ये सब मैंने पार्ट नंबर 1 पे बताया था, फिर भी यहाँ पे आपको एक बार याद करवा रहा हूँ। फिर मैं आपको यहाँ पे यहाँ तक बताया था चार्ट प्रॉपर्टीज था, यहाँ पे जाके कैसे आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, कैसे कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ये सब मैंने पार्ट नंबर 1 पे बताया था। उसके बाद आता है यहाँ पे इंडिकेटर। जैसे आप इंडिकेटर में क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा बहुत सारा इंडिकेटर है, तो आप इनमें से अपना पसंदीदा इंडिकेटर चूज करके आप इस लेआउट के अंदर लगा सकते हो। तो यहाँ पे तो बहुत सारे इंडिकेटर है, तो सभी इंडिकेटर को एक एक करके लगा के मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ। जितना भी इंडिकेटर ज्यादा यूज किया जाता है उनमें से दो एक इंडिकेटर मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा दे रहा हूँ। इसी तरह आप किसी भी इंडिकेटर को सेम प्रोसेस में ही लगा सकते हो। तो मैं पहले मूविंग एवरेज का एक इंडिकेटर ले लेता हूँ यहाँ। तो मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को लेने के लिए आप यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखोगे तो ड्रॉप डाउन में आपके पास मूविंग एवरेज का इंडिकेटर दिखाई देगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मूविंग एवरेज। तो जैसे आप देख सकते हो मैं मूविंग एवरेज थोड़ा सा ही लिखा तो मूविंग एवरेज से जुड़ा हुआ जितना भी इंडिकेटर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे तो मूविंग एवरेज से बहुत सारा इंडिकेटर यहाँ पे है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये सबसे पहला जो आ रहा है मूविंग एवरेज, इसका मतलब ये है सिंपली मूविंग एवरेज। थर्ड नंबर का जो आपको दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये दोनों मूविंग एवरेज ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो आप जैसे ही मैं मूविंग एवरेज पे क्लिक करूंगा तो एक मूविंग एवरेज मेरा यहाँ पे प्लॉट कर दिया जाएगा। तो मैं एक बार इस मूविंग एवरेज पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो एक मूविंग एवरेज मेरा चार्ट के ऊपर प्लॉट हो चुका है। बाय डिफॉल्ट 9 डे का मूविंग एवरेज प्लॉट होता है, तो आप अगर एक से ज्यादा मूविंग एवरेज चाहता हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो और मूविंग एवरेज ऐड होता जाएगा। तो मैं इसमें और एक बार क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो और एक मूविंग एवरेज ऐड हो गया। बाय डिफॉल्ट 9 डे का ही ऐड होता है, इसीलिए दोनों ही 9 डे है, इसलिए आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है क्योंकि एक लाइन के ऊपर और एक लाइन ओवरले हो गया है, तो आपको यहाँ पे एक ही दिख रहा है। जैसे आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन करोगे, इसका पीरियड चेंज करोगे तो ये लाइन अलग होता आपको दिखाई देगा। फिर अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहते हो तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड हो चुका है, ये भी बाय डिफॉल्ट 9 डे का ही ऐड होता है, आप इसको भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो लाइन दिखाई दे रहा है क्योंकि सिंपली मूविंग एवरेज 9 डे का दो मैं प्लॉट किया हूँ और एक्सपोनेंशियल एक प्लॉट किया हूँ। सिंपली एवरेज दो एक ही जगह से प्लॉट रहा है इसीलिए तो आपको एक दिखाई दे रहा है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपली मूविंग एवरेज से उसका प्राइस पॉइंट थोड़ा डिफरेंट रहता है इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो मैं ये तीनों मूविंग एवरेज लगा लिया हूँ, फिर इस विंडो को मैं क्लोज कर रहा हूँ। फिर आपको ये यहाँ पे आप प्लॉट करने के बाद आपको अगर किसी मूविंग एवरेज को नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ पे डिलीट बटन को क्लिक कर दो तो डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं सिंपली मूविंग एवरेज 9 डे दोनों मूविंग एवरेज लगाया हुआ हूँ तो एक सिंपली मूविंग एवरेज में निकल रहा हूँ, तो इसको डिलीट कर देता हूँ तो एक निकल जाएगा। फिर इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे जो सेटिंग का आइकॉन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करोगे
लेंथ में आप यहाँ पे चूज कर सकते हो आप कितना पीरियड का मूविंग एवरेज चाहता हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 9 आया है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं 10 पीरियड का कर देता हूँ। फिर सोर्स यानी यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है। सोर्स मतलब यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हर एक कैंडल का, यहाँ पे मैं 1 डे सेलेक्ट किया हूँ तो हर एक कैंडल 1 डे का है। तो हर एक कैंडल का जो क्लोज प्राइस है उस क्लोज प्राइस को लेके इस मूविंग एवरेज को निकाला गया है। जैसे मैं यहाँ पे 10 पीरियड सेलेक्ट किया हूँ तो 10 पिछला 10 पीरियड का जो क्लोज पीरियड था उसको लेके इस मूविंग एवरेज को निकाला जाएगा। आप अगर इसको ओपन हाई लो जो भी सिलेक्ट करोगे तो उस प्राइस को लेके ये मूविंग एवरेज को निकाला जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो हाई लो टू, मतलब ये जो कैंडल बना है इसका जो हाई है या लो है इसको सम किया जाएगा और 2 से डिवाइडेड किया जाएगा। फिर जो प्राइस निकलेगा उसी प्राइस को लेकर मूविंग एवरेज निकाला जाएगा। ऐसे ही आप देखते हो हाई लो क्लोज 3, मतलब हाई लो क्लोज इन तीनों प्राइस को लेकर लेके सम किया जाएगा और 3 से डिवाइडेड करके जो प्राइस निकलेगा उसी प्राइस को लेके मूविंग एवरेज को प्लॉट किया जाएगा। तो ज्यादातर क्लोज प्राइस को ही यूज किया जाता है, मैं भी क्लोज प्राइस को ही यूज करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आके चूज कर सकते। फिर आता है ऑफसेट। तो इसको समझाने से पहले मैं यहाँ पे स्टाइल पे जाके थोड़ा बहुत इसको चेंज कर लेता हूँ कलर वगैरह, ताकि आपको जब मैं ये समझाऊंगा आपको ईजी होगा देखने में। तो मैं स्टाइल में जाके पहले चेंज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे प्लॉट में कलर चूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज सिंपली मूविंग एवरेज का 10 डे सिलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे प्लॉट हो चुका है, तो उसका कलर आप क्या चाहते हो तो यहाँ पे जाके चूज कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको ग्रीन कर देता हूँ। अब देख सकते हो ग्रीन हो चुका है वो। फिर यहाँ पे आपको उस विथ को आप कम ज्यादा कर सकते हो, इसको थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा लाइन, मतलब ये जो मूविंग एवरेज प्लॉट हुआ है ये लाइन है। तो आप इसको चेंज करना चाहते हो तो भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे लाइन विद ब्रेक करोगे तो हर एक पीरियड में थोड़ा थोड़ा ब्रेक आपको दिखाई देगा, लेकिन लाइन और लाइन विद ब्रेक में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही लगता है दिखने में। थोड़ा उसमें ब्रेक करते हुए ये लाइन दिखाई देगा लाइन विद ब्रेक में। फिर हिस्टोग्राम करोगे तो हिस्टोग्राम जैसा दिखाई देगा, लाइन हट जाएगा। तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ इस तरह का। लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है लाइन ही, और मैं भी लाइन यूज करता हूँ। और मेरा रिकमेंडेड रहेगा कि आप लाइन यूज कीजिए, क्योंकि ये जब लाइन आप यूज करते हो तो आपको दिखने में ईजी लगता है। आप अगर कुछ और सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, फिर वो सिलेक्ट करके आप लगा सकते हो। तो फिर मैं लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं प्राइस लाइन। जैसे कि यहाँ पे मूविंग एवरेज 10 डे का जो मैं लगाया हूँ उस मूविंग एवरेज का आपको यहाँ पे एक प्राइस दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो लास्ट जो प्राइस था उस मूविंग एवरेज का उसको आपको यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे 210.50 यहाँ पे उस मूविंग एवरेज का नाम भी दिखाई दे रहा है। जैसे ये मैं मतलब मूविंग एवरेज सिंपली मूविंग एवरेज, तो यहाँ से एक लाइन आ जाएगा। आप अगर इसको क्लिक करोगे, जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, अब देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन खींचा जाएगा। तो आप अगर चाहते हो इस लाइन रहे तो आप यहाँ पे इसको टिक मार्क करके रख सकते हो। आप नहीं चाहते हो तो इसको अनचेक कर दोगे। फिर स्केल राइट, इसको हमेशा आप स्केल राइट ही रख दीजिए। फिर मैं आपको ये समझा देता हूँ ऑफसेट का मतलब क्या है। तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसको ताकि आपको इजी दिखाई दे। ये हो चुका है तो फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लास्ट कैंडल बना था उस लास्ट कैंडल का बिल्कुल नीचे ये मूविंग एवरेज प्लॉट हुआ है। मतलब इस लास्ट कैंडल का क्लोज प्राइस और इससे पीछे टोटल 10 कैंडल का क्लोज प्राइस को लेके जो मूविंग एवरेज निकला गया उसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया गया। आप अगर इसको बढ़ाओगे, जैसे मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये मूविंग एवरेज एक कैंडल आगे गया, आगे जा चुका है। मतलब इसका कैलकुलेशन जो है तो वो इस कैंडल तक की लास्ट है, लेकिन आप इसको ऑफसेट को अगर बढ़ा दोगे तो ये मूविंग एवरेज आपको आगे प्लॉट कर दिया जाएगा। जैसे आप जितना भी यहाँ पे नंबर बढ़ाओगे उतना कैंडल आगे इस मूविंग एवरेज को प्लॉट कर दिया जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 करता हूँ तो 2 कैंडल आगे जाता है, 3, 4, 5, ऐसे आप जितना भी चाहते हो जितना कैंडल आगे चाहते हो उतना कैंडल आप आगे ले सकते हो। इसी तरह आप पीछे भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 0 आएगा तो सेम टू सेम आएगा, फिर आप नीचे लाओगे तो माइनस में जाएगा। अब देख सकते हो ये माइनस में जा रहा है, तो मैं तो ये 0 में ही यूज़ करता हूँ, मतलब जो है उसी में यूज़ करता हूँ। आपको अगर कुछ फॉरवर्ड मतलब मूविंग एवरेज का कुछ प्रेडिक्ट करना है कि प्राइस कितना तक जा सकता है, तो उसके लिए आप इसको आगे भी प्लॉट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ इसका क्या मतलब है आप समझ चुके हैं। फिर ये सब सेटिंग करने के बाद इसको ओके कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको भी मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। तो मैं इसको 21 डेज का कर लेता हूँ, इसको क्लोज ही रखता हूँ, ऑफसेट 0 ही रखता हूँ। स्टाइल में जाके इसका कलर में ब्लैक दे देता हूँ, इसका थिकनेस को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, तो इसको ओके कर देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने दोनों मूविंग एवरेज को अपने हिसाब से चेंज कर लिया हूँ। फिर आप अगर कोई और इंडिकेटर लगाना चाहते हो तो सेम
यहाँ पे जाओगे, फिर उस इंडिकेटर का नाम लिखोगे तो वो इंडिकेटर आपके सामने अपियर हो जाएगा, फिर उसको आप सिलेक्ट करके अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके आप लगा लोगे तो यहाँ पे वो लग जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले इंडिकेटर में से मैं और एक इंडिकेटर आपको यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ, जैसे MACD, यहाँ पे उसको क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे MACD का जो इंडिकेटर है वो प्लॉट हो चुका है। फिर इसी को आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप यहाँ पे इस सेटिंग आइकॉन पे जाके क्लिक करोगे। फिर इनपुट्स में आओगे तो आप ये जो मूविंग एवरेज बना हुआ है उसका इनपुट को आप चेंज कर सकते हो। बाई डिफॉल्ट ये 12/26 ही रहता है, आप अगर उसको भी कुछ चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। 12/26 का मतलब है 12 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लेके इस MACD लाइन को निकाला गया है। आप अगर जानते हो MACD इंडिकेटर के बारे में तो आप इजिली समझ सकते हो यहाँ पे। तो आप अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं इसका कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ। फिर आप नीचे आओगे तो सिग्नल लाइन 9 दिखाई दे, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो स्टाइल में जाकर मैं पहले कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहला था हिस्टोग्राम, तो आपको यहाँ पे जो बार जैसा दिखाई दे रहा है इसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। ये कैसे बनता है मैं भी आपको थोड़ा बताऊंगा यहाँ पे, तो पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो आप अगर हिस्टोग्राम पे नहीं चाहते हो तो इसको क्लिक करो तो हिस्टोग्राम हट जाएगा, इसको क्लिक करो तो हिस्टोग्राम आ जाएगा। फिर इसका कलर चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं यहाँ पे इसको ग्रीन दे देता हूँ। फिर इस जो बार बना है इसका थिकनेस का कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर ये जो बार बना है हिस्टोग्राम जैसा दिखाई दे रहा है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, जैसे उसको भी लाइन चाहते हो तो लाइन हो जाएगा, कॉलम चाहते हो कॉलम जैसा दिखाई देगा, लेकिन मैं हिस्टोग्राम ही यूज़ करता हूँ, उसको देखने में मेरे को ईजी लगता है। फिर प्राइस लाइन को क्लिक करोगे तो हिस्टोग्राम का जो लास्ट प्राइस था वो आपको यहाँ पे लाइन से दिखाई देगा सेम टू सेम। फिर MACD लाइन, ये जो लाइन जा रहा है इसको MACD लाइन कहा जाता है, तो इसको आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हो। तो मैं इसको अभी यहाँ पे ब्लैक कलर दे देता हूँ और इसको थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। फिर सिग्नल लाइन, जो ये रेड कलर जा रहा है इसको सिग्नल लाइन कहा जाता है, तो उसका कलर भी आप चूज कर सकते हो। ये मैं रेड ही रख देता हूँ और इसका थिकनेस को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। फिर ये सब आपको लाइन जैसा दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे जाके आप उसको भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा लाइन ही रख दीजिए, इसको देखने में सबसे ज़्यादा इजी होता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे प्रेसिशन, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो हिस्टोग्राम का जो प्राइस है वो दिखाई दे रहा है, फिर MACD लाइन का जो प्राइस है वो दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिग्नल लाइन का प्राइस। जिस भी पीरियड पे आप कर्सर रखोगे उस पीरियड का आपको यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट, उसके बाद 4 डिजिट है। तो आप इस डिजिट को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आके चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 4 डिजिट दिखाता है, किसी भी प्राइस के बाद में 4 डिजिट नंबर का आपको प्राइस दिखाता है। तो आप यहाँ पे 0 कर दोगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही आपको दिखाएगा, अगर आप 1 सेट करोगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आपको दिखाएगा, अगर 2 करोगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको दिखाएगा। इसी तरह आप जितना डिजिट तक देखना चाहते हो पॉइंट के बाद यहाँ पे चूज कर सकते हो, और बाय डिफॉल्ट चूज करोगे तो आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक दिखाएगा। फिर स्केल राइट, आप इसको स्केल राइट ही रख दीजिएगा। फिर मैं इनपुट में आके थोड़ा आपको समझा देता हूँ MACD का मतलब क्या है, आपको अगर नहीं पता है यहाँ पे आपको उतना डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा आप समझ जाए उसी हिसाब से मैं बोलने का। यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे फास्ट लेंथ और स्लो लेंथ, यहाँ पे फास्ट लेंथ आपको दिखाई दे रहा है 12 एंड स्लो लेंथ दिखाई दे रहा है 26। ये दोनों का मतलब है कि आप यहाँ पे जिस भी पीरियड सिलेक्ट करोगे उस पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे इस कैंडल का लास्ट कैंडल है उस कैंडल का 12 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लिया जाएगा, और 12 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को माइनस किया जाएगा। फिर जो प्राइस निकलेगा उस प्राइस को यहाँ पे प्लॉट कर दिया जाएगा, उसको MACD लाइन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर पे आपको दिखाई दे रहा है तो MACD लाइन, तो ये जो लास्ट कैंडल बना था इस लास्ट कैंडल तक जो 12 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था और 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, तो उसको माइनस करके निकला, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है ब्लैक कलर का MACD लाइन 8.70। मतलब 12 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 8.70 पॉइंट ऊपर था, इस तरह निकला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो ये MACD लाइन का जो प्राइस निकलता है ये अगर 0 के ऊपर होता है तो बुलिश माना जाता है, और 0 के नीचे होता है तो बेयरिश माना जाता है। फिर यहाँ पे आपको सिग्नल लेंथ दिखाई दे रहा है ये 9, यहाँ पे जो आपको रेड कलर का जो लाइन दिखाई दे रहा है इसको सिग्नल लाइन कहा जाता है, तो ये 9 डे का मूविंग एवरेज को लेके निकला गया है। इसको निकला जाता है कैसे आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे MACD लाइन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे MACD लाइन का जो प्राइस था, फिर पीछे पिछला पीरियड में जो प्राइस था, ऐसे 9 पीरियड का
प्राइस को लेके एक मूविंग एवरेज निकला जाता है, फिर उसको प्लॉट करके दिखाया जाता है सिग्नल लाइन को। जैसे यहाँ पे मैं 9 सिलेक्ट किया हुआ हूँ, तो ये पिछला 9 प्राइस को लेके निकलेगा और इसमें प्लॉट किया है। तो आप जितना पीरियड का चाहते हो उस पीरियड को आप यहाँ से ले सकते हो। इसको क्या करता है, इस एमएसडी लाइन को स्मूथ कर देता है, आपको डिसीजन लेने में ये मदद करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एमएसडी लाइन जब 0 के ऊपर होगा तो बुलिश माना जाता है, ऐसे ही जब ये एमएसडी लाइन इस सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तब बुलिश माना जाता है, और जब ये एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे आएगा तब ऐसा माना जाता है कि मार्केट बेयरिश हो सकता है। ऐसा अगर तो आप समझ चुके हैं, आप अगर नहीं समझे तो आप इसको रिपीट करके और एक बार सुनिए तो आप शायद समझ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इससे ज़्यादा डिटेल्स में बताना यहाँ पे मुमकिन नहीं होगा। मैं अगर इंडिकेटर के बारे में कोई भी सीरीज चालू करूंगा तो वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ, फिर भी आप नहीं जानते इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे बता दूँ। फिर आप यहाँ पे ओके करोगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर आप इसका एरिया को कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे और माउस पे क्लिक करते हो इसको ड्रैग करोगे तो ये आप इसको बड़ा भी कर सकते हो और इसको नीचे लाओगे तो आप छोटा भी कर सकते हो। अब देख सकते हो मैं एमएससीडी और मूविंग एवरेज का दो मैं मैंने लगा लिया हूँ। फिर मैं यहाँ से और एक इंडिकेटर आपको लगा के दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कौन सा लगाऊँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बुलिंजर बैंड, तो मैं इसी को ही लगा लेता हूँ। तो अब देख सकते हो यहाँ पे बुलिंजर बैंड प्लॉट हो चुका है। फिर इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए सेम ऐसे आप बुलिंजर बैंड पे जाके इसको सेटिंग आइकन पे क्लिक करोगे तो अब देख सकते हो यहाँ पे इस विंडो ओपन हो जाएगा। फिर लेंथ में आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट 20 डे और मल्टीप्लाई 2 रहता है। इसका मतलब 20 डे का मूविंग एवरेज को लिया जाएगा और मल्टीप्लाई मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया जाएगा। आप अगर बुलिंजर के बैंड में जानते हो तो आप इजिली समझ सकते हो, आप अगर नहीं जानते हो तो आप इसको पहले सीख ही लीजिए फिर इसको यूज यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत डिटेल्स में इसको बताना इजी नहीं होगा, मैं कभी भी इस टॉपिक में बारे में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा। मैं फिलहाल इस पे कैसे सेटिंग किया जाता है वो आपको दिखा देता हूँ। फिर आप स्टाइल में जाओगे तो आप यहाँ पे कलर वगैरह चूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मीडियन, तो यहाँ पे एक मीडियन लाइन जा रहा है मूविंग एवरेज का, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है इसको हाइड कर लेता हूँ तो आपको इजिली दिखाई देगा। तो हाइड करने के लिए यहाँ पे जो आंख जैसा साइन दिखाई दे रहा है किसी भी इंडिकेटर के उस साइन पर आप क्लिक करोगे तो वो इंडिकेटर हाइड हो जाएगा। जैसे दोनों को मैं हाइड कर लेता, जैसे देख सकते हो दोनों मूविंग एवरेज हाइड हो चुका है। मैं फिर से सेटिंग को निकल लेता हूँ बुलिंजर बैंड्स का। तो आप देख सकते हो बुलिंजर बैंड्स का जो मीडियम लाइन है वो रेड कलर का है, तो आप यहाँ पे आके कलर चूज कर सकते हो। जैसे ब्लैक देता हूँ तो ब्लैक हो जाएगा, किसी और कलर दूंगा तो वो कलर में चेंज हो जाएगा, तो मैं रेड ही रख देता हूँ। फिर उसका थिकनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कौन सी टाइप का कुछ आइए लाइन वगैरह इसमें भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप लाइन ही रख दीजिए, इसमें देखने में बहुत इजी होता है। फिर प्राइस लाइन, जैसे यहाँ पे इस मीडियम लाइन का जो प्राइस आपके यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे लाइन खींच जाएगा इसमें आप क्लिक करोगे तो। फिर अपर बैंड, जैसे यहाँ पे अपर बैंड का एक लाइन दिखाई दे रहा है, तो इस अपर बैंड का लाइन को आप कौन सा कलर चाहते हो तो उस कलर को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं ब्लैक कर देता हूँ, इसको आप अनचेक कर दोगे तो वो लाइन पूरा ही हट जाएगा। फिर इसके थिकनेस को कम ज्यादा करना है तो कर सकते हो। फिर लोअर बैंड का ऐसा ही आप चूज कर सकते हो कौन सा कलर चाहिए, इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ और थिकनेस को थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ। फिर प्लॉट बैकग्राउंड, जैसे इस अपर बैंड से लोअर बैंड तक एक बैकग्राउंड पे आपको एक कलर भी दिखाई दे रहा है, इसी हिसाब से आप उसको भी कलर चेंज कर सकते हो कौन सा कलर चाहिए। जैसे मैं अपने येलो सेट कर देता हूँ तो येलो हो जाएगा। अगर आप इस बैकग्राउंड कलर को नहीं चाहते हो तो आप इसको अनचेक कर देते हो तो बैकग्राउंड कलर हट जाएगा। फिर स्केल राइट, इसको आप राइट रख दीजिएगा। फिर ओके कर दोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो मैं ये जो हाइट किया था उसको शो कर लेता हूँ। अब देख सकते हो मैं बुलिंजर बैंड और दोनों मूविंग एवरेज और एक एमएसडी लाइन इंडिकेटर को अभी प्लॉट किया। पहले मैं वॉल्यूम का तो पहले से प्लॉट करके रखा था इसी लेआउट के अंदर, तो आप अगर किसी भी इंडिकेटर को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके उसको क्रॉस साइन पे क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं बुलिंजर बैंड को डिलीट कर रहा हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ तो वो डिलीट हो चुका है। तो अभी ये जो लेआउट बनाया हुआ है, जैसे कि दो मूविंग एवरेज लगा हुआ है, एक एमएससीडी लाइन एक वॉल्यूम लाइन है, तो इसी लेआउट के अंदर आप अगर किसी और स्टॉक को देखना चाहते हो तो उस स्टॉक का नाम यहाँ पे लिखोगे तो वो स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे SBI का जो स्टॉक है उसको लाना चाहता हूँ, तो मैं SBI लिख रहा हूँ, SBI। अब देख सकते हो यहाँ पे SBI का स्टॉक ओपन हो चुका है उसी सेम लेआउट में। तो आप अगर इस लेआउट को सेव करके रखना चाहता है तो आप यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये माई न्यू लेआउट जो लेआउट था उसी लेआउट में ये सेव हो जाएगा। इस लेआउट पहले सिर्फ ये मैंने कैंडल वगैरह का कलर चेंज किया था और एक वॉल्यूम का ये इंडिकेटर था वही था, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो वो निकल जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। जब जब भी आप माई न्यू लेआउट को ओपन करोगे तो आपको इस तरह का
लेआउट मिलेगा, फिर इसी लेआउट पे आप किसी भी स्टॉक को ला के देख सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि जो माइंड न्यू लेआउट का जो लेआउट था सिर्फ एक कैंडल और वॉल्यूम वो भी रहे, और अभी जो मैंने ये इंडिकेटर वगैरह ऐड किया है इसी को भी आप एक नया लेआउट में रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे और सेव एस करके अपने हिसाब से कोई भी नाम देके उसको सेव कर दोगे, तो ये लेआउट अलग से आपके पास सेव हो जाएगा। फिर इसको ओपन करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे, फिर जो भी लेआउट का नाम दिया हुआ था आपने उस लेआउट पे क्लिक करोगे तो वो लेआउट आपके पास ओपन हो जाएगा। फिलहाल तो मैं सेव नहीं किया हूँ इसीलिए आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं सभी ये जो इंडिकेटर अभी लगाया हुआ था उसको निकल रहा हूँ। फिर आप यहाँ पे एमएसडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको डिलीट करने के लिए इसको क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एमएसडी और वॉल्यूम है, आप चाहते हो कि एमएसडी ऊपर आ जाए और वॉल्यूम का जो इंडिकेटर वो नीचे आ जाए, इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो आपको तीर जैसा मूव आप दिखाई दे रहा है तो इसको क्लिक करोगे तो ये ऊपर जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह आप इसको नीचे भी ला सकते हो और इसको ऊपर भी ला सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो मैं एमएसडी का भी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे अंडू रीडू का जो है, जैसे कि मैंने अभी एमएसडी इंडिकेटर को डिलीट किया, आप अगर गलती से ऐसा कुछ इंडिकेटर को डिलीट कर देते हो तो उसको आप अंडू भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एमएसडी रैंक फिर से आ जाएगा, ऐसा देख सकते हो एमएसडी रैंक फिर से आ गया। फिर ऐसे आप रिडू भी कर सकते हो, मतलब सामने स्टेज में फिर से ये चला जाएगा। फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कॉम्पेयर और एड सिंबल, मतलब आप यहाँ पे जो भी स्टॉक का या इंडाइसेस का चार्ट को ओपन करके रखे हो उसके साथ अगर आप किसी इंडाइसेस या स्टॉक का चार्ट को कंपेयर करना चाहते हो उसका प्राइस मूवमेंट को, तो इस यहाँ पे आके आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके पास आ जाएगा, तो आप दो तरफ से इसको कंपेयर कर सकते, मतलब यहाँ पे आप दोनों टाइप से प्लॉट करके आप कंपेयर कर सकते हो। तो आप यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखोगे या फिर एड सिंबल में जाके उस कंपनी या कोई भी इंडाइसेस जिसको भी आप कंपेयर करना चाहते जिसके साथ उस सीआर या इंडाइसेस का सिंबल को देख दोगे तो भी यहाँ पे उस कंपनी का नाम आपको दिखाई देगा और उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा उबाल ले द मेन चार्ट, तो इसको आप अनसिलेक्ट करोगे तो कुछ दूसरी टाइप का एक प्लॉट होगा और इसको आप चेक करके रखोगे तो पूरा इस चार्ट के ऊपर प्लॉट होगा। तो मैं पहले इसको अनचेक करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको यहाँ पे चेक करके भी दिखा दूंगा कैसे प्लॉट होता है। तो मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपन किया हुआ है, तो मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ निफ्टी 50 का मूवमेंट से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा निफ्टी 50। ऐसे ड्रॉप डाउन में उस स्टॉक का नाम आ जाएगा तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लोगे उसको। अब देख सकते हो तो यहाँ पे नीचे प्लॉट हो चुका है निफ्टी 50 का चार्ट, ये बाय डिफॉल्ट बार चार्ट में प्लॉट होता है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। बार चार्ट में ओपन होता है तो उसको चेंज करने के लिए आप इस सेटिंग में जाओगे, फिर आप जिस टाइप का चार्ट चाहते हो उस टाइप का चूज कर सकते हो। जैसे कैंडल कर देते हैं यहाँ पे कैंडल चूज हो जाएगा। फिर कलर वगैरह आपको चेंज करना है इसका तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको ओके कर देता हूँ। फिर ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस किस किस टाइम कैसा बिहेव किया था और उस दिन एनएससी का जो प्राइस मूवमेंट वो कैसा बिहेव किया था, इसके अंदर क्या रिलेशन है आप ऐसे देख सकते हो। ऐसे यहाँ पे ये वॉल्यूम बीच में आ रहा है तो मैं इसको ऊपर ऊपर कर लेता हूँ ताकि दोनों बाजू बाजू में हो जाए। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो, पीछे जाके पीछे भी जाओगे तो पीछे का प्राइस आप देख सकते हो। फिर इसको आपको लाइन करना है तो आप इसको इस सेटिंग में जाकर लाइन कर दोगे तो ये लाइन चार्ट में आपको दिखाई देगा। फिर आप इसी चार्ट को अगर चाहते हो कि इसका ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट बना है इसका ऊपर आ जाए, मतलब इसको उबालने करते हुए भी दिखाई दे रहा है पूरा साथ साथ में, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। तो मैं इसको निकल रहा हूँ, तो उसके लिए आपको सेम ऐसा ही प्रोसेस में जाना पड़ेगा और यहाँ पे ये जो उबाल ले था मेन चार्ट इसको चेक रखना पड़ेगा। फिर मैं लिखता हूँ निफ्टी 50 निफ्टी 50। अब देख सकते हो इस चार्ट के ऊपर ही ये उबाल ले हो चुका है, तो इसका भी कैंडल कैंडल में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसी में जाना पड़ेगा सेटिंग में, फिर बार से आप इसको कैंडल में चेंज कर लोगे फिर ओके कर लोगे। अब देख सकते हो यहाँ पे दोनों चार्ट बाजू बाजू में पूरा प्लॉट हो चुका है। इस तरह आप कंपेयर कर सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस और निफ्टी 50 का प्राइस कैसा बिहेव करता है एक दूसरे के साथ। इस तरह आप किसी भी कंपनी के साथ कंपनी या बार किसी भी कंपनी के साथ किसी भी इंडाइसेस का आप कंपेयर कर सकते हो। फिर आप इसको ये जो मैं निफ्टी 50 का चार्ट प्लॉट किया हूँ इसको आपको लाइन चार्ट चाहिए तो ऐसे ही सेम जाके इसको लाइन सिलेक्ट करके ओके कर दोगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे लाइन चार्ट सिलेक्ट हो चुका है। फिर आपको इसको हाइड करना है तो ऐसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। फिर अनहाइड करना है तो इसको आप सिलेक्ट करोगे तो ये फिर से आ जाएगा।
फिर आपको इस यहाँ पे आपको दोनों का कंपैरिजन दिखा दे रहा है, मतलब कंपेयर करके दिखा रहा है। इसमें आप और भी स्टॉक इंडेक्स को ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसे सेम आप इसके ऊपर जाओगे फिर उस स्टॉक या इंडेक्स का नाम लिखोगे तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे टीवीएस मोटर का ही ऐड कर लेता हूँ, एक टीवीएस टीवीएस मोटर कंपनी एलटीडी एनएससी इसको ऐड कर लेता। तो देख सकते हो टीवीएस मोटर कंपनी का भी चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो इसको भी मैं लाइन चेक कर लेता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे टीवीएस मोटर और निफ्टी 50 और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मेन चार्ट है वो तीनों चार्ट यहाँ पे प्लॉट हो चुका है। इसी तरह आप एक से ज़्यादा दो तीन चार ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो स्टॉक के साथ स्टॉक का या इंडेक्सेस के साथ स्टॉक का, फिर इंडेक्सेस इंडेक्सेस का आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको ये सबको निकाल देता हूँ। फिर आप यहाँ से अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस 186 चल रहा है, तो आप चाहते हो कि ये इस प्राइस, जैसे हम यहाँ पे कार से लेके जा रहा हूँ, जैसे 197 यानी 200 200 का प्राइस को जब भी ये कवर करके ऊपर जाएगा तो आपके पास एक अलर्ट आना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो एक बेल आइकन है इस पे क्लिक करोगे तो इस विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आप बहुत सारा टाइप का अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कोई भी प्राइस अगर इसको कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जाएगा तो आपके पास अलर्ट आएगा, या फिर आप चाहते हो कि ये जो यहाँ पे प्राइस दिखाई दे इसका नीचे जाएगा तो आपके पास अलर्ट आना चाहिए तो भी आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो वॉल्यूम बार दिखाई दे रहा है आप चाहते हो कि ये जो वॉल्यूम बना था इसके ऊपर जब वॉल्यूम चला जाएगा तब आपके पास अलर्ट आना चाहिए तो भी आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे अलर्ट को क्रिएट किया जाता है इसको मैंने पार्ट नंबर 3 हाउ टू क्रिएट अलर्ट उसमें डिटेल्स में बताया था, और हर एक पॉइंट को बारीकी में मैं आपको उस वहां पे समझाया भी था। तो आप अगर उस पार्ट को नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। उसमें मैं ये भी बताया था कि कैसे आप किस माध्यम से आप इस अलर्ट को ले सकते हो, जैसे वेबसाइट पॉपअप आएगा, फिर ईमेल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप कैसे ले सकते हो, फिर मोबाइल ऐप में भी आप कैसे ले सकते हो, वो सब मैं डिटेल्स में बताया था। फिर आप इस अलर्ट को कैसे मैनेज कर सकते हो, मतलब अलर्ट के बारे में पूरा मैंने उस वीडियो में बताया था। और यहाँ पे तो चार्ट पे आके मैं अलर्ट क्रिएट करना दिखा रहा हूँ, उसमें मैं अलग अलग टाइप का और भी किस तरह से अलर्ट को क्रिएट किया जाता है उसके बारे में भी बताया था। तो आप अगर देखना चाहते हो तो वो पार्ट देख सकते हो। मैं फिर से उसी टॉपिक को यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ इसको निकल रहा हूँ। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे जो बहुत सारा यहाँ पे टूल्स दिखाई दे रहा है इसका क्या यूज है। सभी टूल्स तो मैं यूज नहीं करता हूँ, जो जो मैं यूज करता हूँ वो आपको मैं बताऊंगा। और यहाँ पे और दो एक पॉइंट बाकी रह गया है, कैसे आप इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। फिर इस चार्ट को कैसे आप स्प्लिट कर सकते हो, मतलब एक ही विंडो में बहुत सारा स्टॉक का चार्ट आप कैसे अलग अलग स्प्लिट करके लगा सकते हो वो भी मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आज फिलहाल इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।